इसकी क्या जरूरत है शेखर? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। नेत्रा जरूरत है, तुम्हें आराम की जरूरत है। वैसे भी इतने टेंशन भरे माहौल में तुम्हें मेंटली रिलैक्स होने की बहुत जरूरत है। इतनी छोटी बात नहीं है ये, बात हमारे बच्चे के भविष्य की। लेकिन शेखर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत है? देखो चिंता करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम लेट जाओ, तुम आराम करो, मैं म्यूजिक ऑन कर देता हूँ। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा मैं बंद कर दूंगा। शेखर कम ऑन, तुम जाके आराम करो। अब बंधी बिल्ली के गले में घंटी। नेत्रा मैडम आपको हमारा काम तो करना ही पड़ेगा। ओह नो, पावर फेलियर भी इसी वक्त होना था। तुम आराम करो, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटा थोड़े जाता है, उससे वसूली की जाती है। इसी तरह तुम्हें भी डराकर हर रोज तुमसे एक नया खेल खिलवाना है। तुम्हारा डर ही हमारे काम आएगा। अगर आज ये टेप चल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ना ही ये टेप रहेगा और ना ही मेरा डर। लेकिन ये टेप मुझे भेजी किसने होगी? कहीं हेलो, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम बहुत रिलैक्स्ड हो। हाँ, कौन हो तुम? वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल तो तुमने अपनी परेशानी का कारण मिटा दिया होगा। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? कौन हो तुम ये मत समझना कि एक कसर के तोड़ देने से सारे सबूत मिट जाएंगे। शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि वो ओरिजिनल कैसेट नहीं थी। और ये बताना बहुत ही बेवकूफी होगी कि ये ओरिजिनल कैसेट मेरे पास है, सेफ कस्टडी में। कौन है आप? क्या चाहती है ये सब? हेलो, हाँ, कौन हो सकती है? कहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई विल नॉट लीव यू। डरो नेत्रा, डरो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा डरोगी उतना ज्यादा तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाओगी। इसलिए डरो नेत्रा और थोड़ा परेशान हो जाओ। मैंने आपका केस स्टडी किया है। आई थिंक इट्स वेरी वीक केस। सारे सबूत मिस्टर समर के खिलाफ हैं। शायद इसीलिए आपके प्रीवियस लॉयर ने ये केस छोड़ दिया था। लेकिन समर भैया तो निर्दोष है। ये आप कह सकती हैं, लेकिन कोर्ट को तो सबूत चाहिए। स्टिल, मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ। वकील साहब, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। आपको जो भी सबूत चाहिए होगी या कुछ भी, वो सब तो आगे की बात है। बट फर्स्ट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। हाँ बोलिए। मेरी फीस होगी 50 लाख रुपए। And I will take the fees in advance. अब डिसीजन लेने को रह क्या गया जी? हमने सब कोशिशें करके देख ली, कुछ नहीं हो पाया। हम हार गए जी, हम हार गए। भाभी आप हिम्मत मत हारिए। ऐसी तकलीफ तो हमें कदम कदम पर सहनी पड़ेगी, पर इन तकलीफों का कोई अंत भी तो हो जी। मुझे तो अब हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता। भाभी आप ये तो सोचिए, कम से कम लॉयर ने हमारा केस लड़ने के लिए हाँ तो कर दी। इस अंधेरे में ये किसी रोशनी से कम तो नहीं? हाँ तो उसने कर दी जिया, मगर उसकी फीस कहाँ से लाएंगे हम इतने रुपए? जो कुछ हमारे पास था हम सब तो खर्च कर चुके हैं। और अगर हम लोग अपने सारे गहने भी बेच देना तो भी इतने रुपयों का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। एक लोटा पानी से कोई सागर भरता है क्या? भाभी बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। जैसे यहाँ तक आए हैं
हम आगे भी पहुंच जाएंगे। अब तक का रास्ता तो भगवान ने दिखा दिया और हमारी मुश्किल का हल भगवान के पास जरूर होगा। बस हमें हिम्मत से काम लेना होगा और भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी हिम्मत नहीं हारता। हम अपनी बाजी हिम्मत से जरूर जीतेंगे। आराम से बैठ के मैगजीन पढ़ रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ? क्या हुआ नेत्रा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मानस, किसी ने हमारी सारी बातें सुन ली है, इनफैक्ट रिकॉर्ड कर ली है। आज उसने मुझे वो कैसेट भेजी थी जिसमें हमारी हमारी सारी बातें रिकॉर्डेड है। क्या बात कर रही हो? व्हाट आर यू सेइंग नेत्रा? यू मीन कोई और भी था जिसे हमारे बारे में पता है? कौन हो सकता है? पता नहीं, शेखर के हाथ आज वो कैसेट लगने ही वाली थी। शेखर को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि लाइट चली गई, वरना आज तो हमारा पर्दाफाश हो जाता। मानस, कहीं कहीं तुम तो ये सब। Are you mad, नेत्रा? अगर मुझे तुम्हारी पोल खोलनी होती ना तो मैं कब से सब कुछ कह देता। इसे कहते हैं नेकी कर और जूते खा। नहीं नहीं मानस, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस बहुत परेशान हूँ। I understand नेत्रा, लेकिन कौन हो सकता है सबके पीछे? I don't know, मुझे एक फोन आया था, किसी औरत की आवाज थी। कहीं तुम्हें तो ऐसे कॉल्स नहीं आ रहे? नहीं, पर are you sure किसी औरत की आवाज थी? I mean ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी हो जो औरत की आवाज में बात कर रहा हो। नहीं, आवाज तो औरत की ही लग रही थी। लग रही थी, दैट मींस यू नॉट श्योर नेत्रा। फिर से सोचो, आदमी था कि औरत थी? मानस, जब मुझे फोन आया तब मैं बहुत घबरा गई थी, कुछ सोच नहीं पाई। खैर, जब उसने मुझे फोन किया है तो आई थिंक वो तुम्हें भी फोन करेगी। हाँ, शायद। पर उसका मकसद क्या हो सकता है? वो मुझे यूं फोन करके परेशान क्यों कर रही है? नेत्रा, मुझे लगता है कि वो हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। तुम्हें उसने और कुछ बताया कि वो क्या चाहती है? एनीथिंग? नहीं, इसके पहले कि मैं पूछती उसने फोन ही काट दिया। दैट्स स्ट्रेंज। लगता है उसका इरादा जानने के लिए हमें उसके अगले फोन कॉल का इंतजार करना होगा, और वो तुम्हें फोन जरूर करेगी नेत्रा। एंड दिस टाइम यू हैव टू बी अलर्ट, यू कांट टेक एनी चांसेस। नेत्रा, सोचो, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ सकती हो। सोचो अगर शेखर को इसके बारे में पता चल गया तो। या आई थिंक यू राइट। वो औरत अब घर तक पहुंच गई है समर, कितना जलील किया उसने बाबा को सबके सामने, और तो और उसने ऑफिस पे भी कब्जा कर लिया है। बाबा उसे लेके बहुत परेशान है। आज मैं अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रहा हूँ। आज जब बाबा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो हमेशा घर वालों के बारे में ही सोचते रहे, उन्हीं घर वालों ने तुम्हें इतना मजबूर बना दिया। उसी का नतीजा है कि आज वो लोग भी बेबस हैं, मजबूर हैं, और तुम उनके पास ना होके यहाँ जेल में हो। क्या बाबा तुम्हें इतना भी नहीं पहचान सके सब? भाभी, ये बात पहचानने या ना पहचानने की नहीं है, इस वक्त बाबा की आंखों पर पट्टी बंधी है। बाबा वही देख रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है, लेकिन वक्त आने पर उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। वो वक्त कब आएगा जिया? आएगा भाभी, बहुत जल्द आएगा, लेकिन बाबा को इस वक्त सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। हम उन्हें इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना?
मैडम आपका कुरियर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है? माँ? लेकिन क्यों? वो तो तुम जाओगी तभी पता चलेगा ना, जल्दी जाओ। तुम अब तक यहीं पे हो? अब क्या तुम्हें सुनाई भी नहीं देता? माँ को क्या तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? हेलो, पहचाना? कौन बोल रहे हैं? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? बताती क्यों नहीं? आखिर चाहती क्या हो? क्यों मुझे फोन करके परेशान करती रहती हो? क्या चाहती हो तुम? बताती क्यों नहीं? What's your problem? मकसद क्या है तुम्हारा? शांत हो जाओ नेत्रा, जस्ट काम डाउन, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। Now listen to me very carefully. तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें मिलना चाहती हूँ। Is that okay? ठीक है। Good. Hotel Sun Chariot, शाम को 5 बजे। I'll be waiting for you. माँ, आपने मुझे बुलाया था? नहीं तो बेटा, लेकिन अच्छा किया तुम आ गए। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। क्या बात है माँ? तुम आज लॉयर के पास गई थी ना, कोई बात बनी बेटा? माँ वो लॉयर ने कहा। माँ वो उम्मीद तो ज़रूर बंधी है, शायद शायद हमारा काम बन जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जिया, तुमने माँ को सच क्यों नहीं बताया? जू ने झूठा दिलासा दे रही हो। भाभी, मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। माँ के साथ सब खुद को भी झूठा दिलासा दे रही हो जिया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, हमारे पास वकील की फीस देने जितनी ताकत नहीं है। किस भरोसे पर तुम माँ को उम्मीद बंधा रही हो? बता क्यों नहीं देती उनको कि मेरे समर को जेल से बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। रुक्मिनी, बहुत दिनों के बाद मैं एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। अच्छी खबर? हाँ। क्या बात? पैसों का इंतजाम हो गया है रुक्मिनी, 2 दिनों में हमें 15 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हम अपने इस घर को बचा सकते हैं, हमें अपने इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता।
अच्छा हुआ तुम मुझे पहचान गई, इसलिए अपना इंट्रोडक्शन देने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? Why क्यों? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, शायद तुम भूल गई हो, उस कसर की ओरिजिनल अब भी मेरे पास है। ये ब्लैकमेलिंग मी? ब्लैकमेलिंग? ठीक है, ब्लैकमेलिंग ही सही, जो भी चाहो सोच लो, काम तो तुम्हें करना ही होगा। कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? तू? अरे अरे शेखर, क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है? बाबा ये हमारे घर की नेम प्लेट चेंज करा था, इसकी इतनी हिम्मत? काम डाउन शेखर, ये इसकी हिम्मत नहीं थी, ये वही कर रहा था जो मैंने इसे कहा था। तुम जाओ। अब फिर यहाँ आ गई? अब मुझे अपने ही घर में आने में क्या सोचना, और रही बात इसकी तो ये तो सिर्फ नेम प्लेट की मेजर ले रहा था, अब दो ही दिन में मेरा नेम प्लेट लगने वाला है, तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दो रूबी, अभी दो दिन बाकी है और दो दिनों में मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा, फिर तुम्हारे सारे सपने टूट कर रह जाएंगे। खुली आंखों से शायद आप सपने देख रहे हैं मिस्टर ज्ञान पांडे, मुझे पता है आप किसके बल पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मिस्टर रणदीप मखेजा ने आपको पैसे देने का वादा किया है ना? चाहो तो मैं अभी तुम्हारी बात करवा दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ है। मिस्टर मखीजा, क्या आपने मिस्टर ज्ञान पांडे को 15 करोड़ देने का वादा किया था? नहीं, सॉरी मिस्टर पांडे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको रुपए नहीं दे पाऊंगा।